हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन मैं हुवाती आपकी इंग्लिश एजुकेटर हम पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स की गुलमोहर बुक नाउ हियर वी आर गोइंग टू चेक आउट अ वेरी इंटरेस्टिंग पोम अ पोम एक्चुअली विच इज विच हैज़ अ वेरी पेनफुल थीम ये जो पोम हम पढ़ने वाले हैं द नेम इज फोर लिटिल फॉक्सिस रिटन बाय ल्यू सैरिट ल्यू सैलट इज़ अ पोएट जो कि नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं यहाँ इस पोम में हम बात करने वाले हैं फ़ोर लिटिल फॉक्सेज की जिनके मदर जो हैं उनको एक हंटर ने हंट कर लिया है और उन्हीं ये फोर लिटिल फॉक्सेस जो अभी अभी पैदा हुए हैं उन्हीं की आँखों के सामने उनकी मदर को किल कर दिया गया है नाओ द पोइट डिस्क्राइब्स कि किस तरीके से वो लोग जो है दो इट इज़ अ स्प्रिंग दो इट इज़ मार्च स्प्रिंग सीजन है लेकिन उसके बाद भी दे आर वेरी थिन वो बहुत ज़्यादा ठंड में काँप रहे हैं देर इज़ नो वन टू टेक केयर ऑफ देम एंड एक तरीके से इस पूरी पोम में पोएट जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं विनती कर रहे हैं नेचर से टू नॉट बी हार्श ऑन देम सो ये जो पोम पोएट ये जो पोम है ये हमें बताती है कि जब हंटर्स जो होते हैं जो ये किल करते हैं इलीगल किलिंग जो होती है उसके बाद ऑब्वियसली वेन वी लूज आर पेरेंट्स कोई भी छोटा बच्चा एकदम छोटा बच्चा जब अपने पेरेंट्स को लूज करता है देन हाउ पेनफुल इट मस्ट बी वही एक थीम है इसकी जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं सो नाउ गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय रीडिंग समथिंग अबाउट आर पोएट एंड देन वी विल स्टार्ट विद द दो ओके सो हियर leo sarich was an american poet, lecturer and teacher.

पे बेस्ड होती थी इन दिस पोम ही डिस्क्राइब्स द्लाइट ऑफ फोर फॉक्स एज मदर में हमको बताया जाता है मतलब दयनीय अवस्था किसकी फोर फॉक्स कब्ज की फॉक्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें कब कहते हैं जैसे टाइगर के बच्चे को भी कब कहा जाता है सो फोर फॉक्स कब्स को जो ऑर्फन हो चुके हैं ऑर्फन मतलब जो कि अब अनाथ हो चुके हैं क्योंकि उनकी जो मदर है उसको एक हंटर ने किल कर दिया है ही नोज दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सरवाइव एंड बैग्स नेचर टू शो मर्सी ऑन देम अब जो हमारी पोएट हैं जब वो उन फोर फॉक्सेस को देखते हैं उन्हें पता है कि उन चारों छोटे फॉक्सेस के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा और वो नेचर से रिक्वेस्ट करते हैं बैक करते हैं कि उनकी तरफ थोड़ी सी मर्सी शो करें मतलब उनकी तरफ थोड़ी सी दया शो करें हार्श ना हो और उनका ख्याल रखने की कोशिश करें now we are going to start with the poem speak gently spring and make no sudden sound for in my windy valley yesterday i found new worn foxes squirming on the ground speak gently Now here the poet is requesting, it's pleading the nature, speak gently spring. अब ये हमें पता है spring season, March का जो season होता है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा pleasant होता है बहुत ज़्यादा happy होता है जहाँ flowers bloom करते हैं wind जो होती है बहुत ज़्यादा harsh नहीं होती लेकिन इसके बाद भी वो spring से भी request कर रहे हैं कि दो you are very soft and pleasant, still be softer. मोर प्लेजेंट वाई बिकॉज ये जो फोक्स हैं उसके लिए जो तुम जो तुम्हारा नॉर्मल जो वेग है वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा सो स्पीक जेंटली ना स्पीक जेंटली का मतलब यहाँ पे क्या होता है एक तरीके से वो जो है विंड को पसोनीफाई कर रहे हैं विंड को एक ह्यूमन uh, की तरह ट्रीट कर रहे कि तुम धीरे ब, बोलो धीरे बोलने का मतलब क्या है तुम धीरे चलो हवा तुम धीरे बहो एंड मेक नो सडन साउंड और अचानक से जो है मतलब अपनी स्पीड तेज मत करना अचानक से कोई हार्श साउंड मत क्रिएट करना फॉर इन माई विंडी वैली फॉर इन माई विंडी वैली मतलब यहाँ पोइट बता रहे हैं कि वो एक माउंटेनियस रीजन में रहते हैं जहां पर वैलीज हैं और वो बता रहे हैं यहाँ बहुत जोर जोर से हवा चलती है येस्टडे आई फाउंड तो मैंने अपनी विंडी वैली में येस्टडे वेड आई फाउंड न्यू बोर्न फॉक्सेस स्क्वर्मिंग ऑन द ग्राउंड मैंने क्या देखा फॉर न्यू बॉर्न फॉक्सिस एकदम नए नए अभी अभी पैदा हुए foxes, जो कि ग्राउंड में स्क्र्म कर रहे थे मतलब मचल रहे थे स्पीक जेंटली और वो क्या कहते हैं प्लीज धीरे से धीरे से चलो वर्क सॉफ्टली मार्च फॉर बियो द बिटर ब्लो हिट विद इन अट्रैप ह ब्लड अपॉन द स्नो

Bear, मतलब क्या होता है स्टॉप स्टॉप फ्रॉम डूइंग समथिंग द बिटर ब्लो बिटर ब्लो मतलब जो तुम्हारी जो कोल्ड हिटिंग विंड्स हैं जो तुम बहुत जोर से बहती हो जिसमें ठंड लग जाती है सो फॉरब्योर द बिटर ब्लो कुछ देर के लिए इस बिटर ब्लो को छोड़ दो रोक दो हर फीट विद इन अ ट्रैप नॉ दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर फीट विदिन अ ट्रैप यहाँ पे ही इज चॉकिंग अबाउट द मदर फॉक्स कि किस तरीके से उसकी उनकी जो मदर फॉक्स थी उनका उनकी जो फीट था वो एक ट्रैप में फंस गया था हर ब्लड अपऑन द स्नो और किस तरीके से वेन द हंटर माइट हैव किल्ड द फॉक्स उनका जो खून था उनका जो ब्लड था इट मस्ट है ऑन द स्नो तो और ये सब किसने देखा ये सब उन फोर लिटिल फॉक्सेस ने देखा कि किस तरीके से उनकी जो मदर थी वो ट्रैप हो गई थी उस नेट में और उसके बाद उसको जब किल करा गया तो उनका जो ब्लड था वो स्नो में गिर रहा था द फोर लिटिल फॉक्सेस सो देयर मदर गो और ये जो फोर लिटिल फॉक्सेस थे इन्होंने अपनी मदर को गो मतलब मरते हुए देखा दो देयर मदर डाई गो लाइटली स्प्रिंग अब अगेन ही इज रिक्वेस्टिंग द नेचर गो लाइटली स्प्रिंग ओह गिव देम नो अलार्म व्हेन आई कवर्ड देम विद बोस टू शेल्टर देम फ्रॉम हार्म द थिन ब्लू फॉक्सिस सकल्ड एट माई आर्म, सो गो लाइटली स्प्रिंग अब वो फिर से नेचर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हाश मत होना लाइटली मूव करो ओह गिव देम नो अलार्म मतलब उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी मत देना वेन आई कवर डेम विद बोज वैन आई कवर्ड डेम विद बोज बोज का मतलब होता है लार्ज ब्रांचेस ऑफ ट्रीज सो नाउ द पोएट जस्ट टू मेक श्योर कि वो कुछ कर सके उन फॉक्सेस के लिए सो ही कवर डेम विथ यूज लीव्स एंड सम ब्रांचेस सो दैट दे आर प्रोटेक्टेड ताकि उनको ठंड कम लगे सो वैन आई कवर्ड डेम विथ बो अब वो बता रहे हैं कि जब वो गए उन्हें बड़े बड़े पत्तों से और ब्रांचेस से उन्होंने ढकने की कोशिश करी टू शेल्टर डेम फ्रॉम हार्म ताकि वो उसने हार्म से शेल्टर कर पाए द थिन ब्लू फॉक्सेस माई आर्म वो जो थिन ब्लू फॉक्सेस थे वो मेरी आर्म से लिपट गए अब यहाँ पे थिन और ब्लू ये दोनों वर्ड्स क्या बताते हैं पहली चीज तो क्योंकि दे हैव नो बडी टू फीड देम उनके पास कहीं से कहीं तक उनकी मदर नहीं है सो दैट दे कैन हैव सम मिल्क और दे कैन यू नो द मदर कैन गेट समथिंग टू ईट तो वो बहुत ही ज़्यादा दुबले हो गए हैं दे आर लाइक वेरी थिन प्लस वाई आर दे सेंग ब्ल्यू फॉक्सिस ब्ल्यू इसलिए बिकॉज दे आर सो कोल्ड उन्हें इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है दैट दे आर दिस सीम टू बी ब्ल्यू ओके सो ब्लू यहाँ पे बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है और थिन बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा दुबले हैं बिकॉज दे हैव नथिंग टू ईट द थिन ब्लू फॉक्स सकल लटमाय आम एट लटमाए आम मतलब वो जैसे पोएट ने कोशिश करी उन्हें ढाँकने की तो वो उनसे उनके हाथ से लिपट गए गो लाइटली क्यों लिपट गए वो उनके हाथ से क्योंकि फॉर देम दे देट दे रियलाइज एट मे बी दिस इज देयर मदर द पोएट इज़ देयर मदर वाई बिकॉज अ मदर टेक्स केयर ऑफ देर चाइल्ड अ मदर कीप वॉर्म अ मदर प्रोवाइड्स फॉर द किस सो उनको क्या लगा क्या शायद यही हमारी मदर है स्टेप सॉफ्टली मार्च विथ योर रैम्प एंड कैन नजलिंग वन अनादर एंड विथ पेन द न्यू लिटिल फॉक्सेस आर शिवरिंग इन द रेन स्टेप सॉफ्टली सो ही इज सेइंग स्टेप सॉफ्टली मार्च मतलब प्लीज़ धीरे चलना धीरे बहना धीरे हवा रखना विथ योर रैमपेंट हरिकेन अब वो यहाँ बोल रहे हैं रैमपेंट का मतलब क्या होता है कोई जो बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड मैनर में जो कोई हरिकेन आता है जो तूफान आता है उसको प्लीज़ शांत रखना नजलिंग वन अनदर एंड विम्परिंग विथ पेन नज़लिंग वन अनादर मतलब अब अपने आप को वॉम रखने के लिए वो सब जितने भी फॉक्सेस हैं वो अपनी जो नोज है वो एक दूसरे से रब कर रहे हैं वट इज द मीनिंग ऑफ नजलिंग स्नगलिंग अप टू मतलब एक दूसरे से चिपके हुए हैं और अपनी नोज़ को रब कर रहे हैं सो दैट दे फील द वॉम एंड वम्परिंग विथ पेन और वो लोग पेन से जो है ठिठुर रहे हैं द न्यू लिटिल फॉक्सेज आर शिवरिंग इन द रेन इट इज़ रेनिंग नाउ एंड दे आर शिवरिंग इन द कोल्ड इन द पेन बिकॉज ऑफ द हंग सो प्लीज़ नेचर प्लीज बी जेंटल टू दैम स्टेप सॉफ्टली नाउ दिस वॉज द पोम गाइड

Throughout the rest of the story, Scarlet explains the hardships the newborn foxes now have to go through since their mother was killed by a hunter's trap. तो जो first stanza है जहाँ वो ये बता रहे हैं कि उनकी mother जो है उनकी death हो चुकी है फिर वो पूरे उस जगह पर बता रहे हैं कि कितनी hardships मतलब कितनी difficulties face करनी पड़ी हैं इन newborn foxes को क्यों क्योंकि उनकी mother जो है is dead now. He tells how he found this newborn foxes without a mother, food, shelter, warmth and much more. वो बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से इन newborn foxes को find किया, जिनके पास ना mother है, ना shelter है, ना food है, ना warmth है, उनके पास कुछ भी नहीं है। Now the tone, what is the tone? What do you think? क्या है इसकी tone? बहुत hilarious है, बहुत ज़्यादा happy tone है नहीं। The speaker throughout the story is pictured to be a very warm-hearted person. अगर हम इसमें पोएट के बारे में देखें तो हमें समझ में आ रहा है वो एक बहुत काइंड इंसान है लॉस ल्यू सैरिट यूजेस मैनी क्लीउ टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द काइंडनेस ऑफ द स्पीकर मतलब वो बता रहे हैं कि वो अपनी मतलब जो स्पीकर की काइंडनेस है उनको दिखाने के लिए वो बहुत तरीके हैं इससे बता रहे हैं एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जैसे कि वन आई कवर दैम विद बोज टू शेल्टर दैम शेल्टर दैम फ्राम हार्म तो कोई जो है किसी को देख के अगर उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर पाए इसका मतलब क्या वो एकदम एंगर के फीलिंग्स के साथ कर रहा है क्या वो रिवेंज की फीलिंग्स के साथ कर रहा है नहीं वो बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस की कंपैशन की फीलिंग के साथ कर रहा है दिस शोज दैट दिस पर्सन वॉज़ टू केयरिंग दैट डिसाइडेड दैट ही वुड हेल्प द बेबी फॉक्सेस दिस पोम क्रिएट्स अ वेरी सैड टोन तो ये जो पोम है इसका टोन क्या है बहुत ज़्यादा सैड है अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो आ, डिवाइसेस यूज करी गई है जो पोएटिक डिवाइसेस यूज करी है राइमिंग डिवाइसेस यूज करी है वो कौन सी है इन द पोम टाइटल्ड फोर लिटिल फॉक्सेस बाय ल्यू सारेट देयर इज प्लेंटी ऑफ इमेजरी तो जो पहला इसमें जो यूज किया गया है पोएटिक डिवाइस लिट्ररी डिवाइस वो है इमेजरी क्योंकि वेन दे से न्यू बॉर्न फो स्कमिंग ऑन द ग्राउंड कैन यू इमेजिन छोटे छोटे फोक्सेस के बच्चे हैं जो ग्राउंड में से मूव कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं स्कर्म कर रहे हैं ना दिस इज साइट ये विजुअल इमेजरी है बिकॉज द स्पीकर कैन सी द बेबी फोक्सेस सेकेंड है सकल डॉन मायाम दिस इज अ फीलिंग कोई आपके जो किसी बेबी फॉक्स ने आपके हाथ को पकड़ लिया उसमें लिपट गए तो ये एक फीलिंग है एक सॉफ्ट फीलिंग होती है सो हियर यू कैन एक्चुअली फील इट ओके तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ इमेजरी साउंड बिकॉज द स्पीकर कैन हियर इट दे आर विम्परिंग विथ पेन तो पेन से जो वो आवाज निकाल रहे हैं वो कैन यू हियर की जब कोई बहुत ज्यादा पेन में होता है तो वो जिस तरीके से आवाज निकालेगा एक छोटा सा बेबी फॉक्स वो अब आप उसको सुन सकते हो यू कैन एक्चुअली हेयर इट तो वो ऑडिट्री है द इमेजरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस पोम इट रियली हेल्प्स द रीडर विजुअलाइज द एक्शंस दैट आर गोइंग ऑन थ्रू आउट द पोम और ये जो है रीडर को हेल्प करता है कि एग्जैक्टली exactly पूरी पोम में थ्रू आउट द पोम क्या चल रहा है क्या हो रहा है उसको विजुअलाइज करने में सेंस करने में हेयर करने में प्रॉपरली फील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है ये तो एक डिवाइस हो गई दूसरी डिवाइस जो है इसमें वो है रिपीटेशन जो यहाँ रिपीटेशन यूज किया गया है थ्रू आउट द फॉर्म फोर लिटल फॉक्सिस यूज प्लेंटी ऑफ रिपिटेशन जैसे कि स्पीक जेंटली वॉक स्लो सॉफ्टली जो लास्ट लास्ट का जो वर्ड्स लिख रहे थे इट इज स्टेटेड एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द फर्स्ट टेंस स्पीक जेंटली एकदम स्टार्ट में है स्टैंडा के स्टार्ट में और स्टैंडर्ड स्टैंडा के एंड में वर्क सॉफ्टली इज ऑल्सो रिपीटेड इन द बिगनिंग एंड एंड बट इन द सेकेंड स्टैंडा थ्रू आउट द पोम दे आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ एंड राम सच अ साउंड फाउंड ग्राउंड ये जो है आ, ये भी चीज रिपीट हो रही है रिपीटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस पोम बिकॉज इट एक्सप्लेन्स एंड एडवर्ब्स एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द स्टैंडा यहाँ जो ये बोला है स्पीक सॉफ्टली यू नो बी जेंटल स्पीक सॉफ्टली स्पीक जेंटली या मूव जेंटली ये जो बार बार वो कहना चाह रहे हैं एक तरीके से क्यों क्यों ये रिपीटेशन किया जा रहा है सो दैट द पोएट कैन एम्फेसाइज द फैक्ट दैट ही इज रियली रिक्वेस्टिंग द नेचर टू टेक केयर ऑफ द न्यू बॉर्न फॉक्स वो अपनी फीलिंग को बहुत अच्छे से एम्फसाइज करने के लिए इस रिपीटेशन टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं ओके okay?

सिंस ही इज कंसिडरिंग इट एज एन रिक्वेस्टिंग यहां पर विंडस पर सोनिफाइड सो ये तीन लिटररी डिवाइस हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन मोर थिंग बिफोर वी एंड दिस वी विल गो बैक टू दो पोम एंड वी विल ऑल्सो चेक वंस द रमिंग पैटर्न नाउ सी द लास्ट वर्ड्स ओके साउंड फाउंड ग्राउंड एंड जेंटली सो दिस इज लाइक अलग से लेकिन साउंड फाउंड ग्राउंड नेक्स्ट अगर हम देखें ब्लो स्नो गो दे अलाम हाम आम हरिकेन पेन रेन सो यहां पर अगर आप देखो हर जगह ए ए ए बी 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 सी 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 डी 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 सेम राइमिंग पैटर्न यूज हुआ है सिर्फ जो लास्ट में जो अलग से लिखा हुआ है इट दैट हैज चेंज्ड. अदरवाइज द राइमिंग स्कीम इज सेम थ्रू आउट द पोम क्लियर सो हेयर वी आर डन विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पोम हमने इसमें इसका क्या क्या चेक किया हमने थीम देखा हमने एक्सप्लेनेशन देखा स्ट्रक्चर देखा वी ऑल्सो चेक द रैमिंग डिवाइस सो वी आर सॉर्टेड हियर अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड क्वेश्चन आंसर्स में अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं या इस पर्टिकुलर वीडियो में कोई डाउट होता है तो आप क्या करोगे आप कॉमेंट बॉक्स में मैंशन करोगे एंड आई एल्प गो थ्रू योर डाउट्स हेल्प यू विद्जॉमस ठीक है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ डो नॉट फर्गेट टू विजिट अर वेबसाइट मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम बिकॉज ये सारे वीडियोज आपके लिए यहाँ फाइंड करना इज वे मोर इजियर लाइक वे इजियर देन गोइंग टू लैप यूट्यूब वहाँ पे आपके पास टेन वीडियोज आ जाएंगे उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा सो वॉट यू कैन डू इज जस्ट गो यर गो टू द क्लास क्लिक ऑन द क्लास यू विश टू स्टडी क्लिक ऑन द सब्जेक्ट आपके पास टॉपिक वाइज वीडियोस आ जाएंगे एंड योर वीडियो विल स्टार्ट सो दैट्स इट थैंक यू सो मच डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक प्लीज टेक केयर बाय